Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi rubbal alamin. Subhanallah bihamdihi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي الغالب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما इस उम्मत पर और की पूरी इंसानियत पर अल्लाह सुब्हाना ताला का सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा करम और सबसे बड़ा एहसान ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अशरीफा यानी सुन्नत मुबारक अल्लाह पाक ने हम तक पहुंचाई, हमें दी और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन का हिस्सा बनाया। ये इतना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला का, ये हकीकत ही है, किसके बगैर इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक हम तक ना होता, हमें ना मिलता, हमें ना पहुंचता तो जिंदगी इंसान नहीं गुजार सकता। तो जिंदगी गुजारने से मतलब क्या कि इसके बगैर इंसान जिंदा तो रहता, जिंदगी गुजरती, हालात गुजरते, लेकिन जानवरों में इंसानों में कोई फर्क ना। वाहिद एक चीज है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक जो तफरीक करती है इंसानी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में। कोई मरहला ऐसा नहीं इंसान का जिंदगी के अंदर जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें गाइडेंस ना मिलती हो आपकी सुन्नत शरीफा से। मामलात हों, माशरत हो, खरीद फरोख्त हो, इबादात हो, अखलाकियात हो, घरेलू जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, रिश्तेदारों से ताल्लुकात हो, औलाद की तरबियत हो, सुलह रहने हो, जानवरों को पालना हो, जानवरों को रखना हो, दरख्तों को लगाना हो, खेत हल चलाना हो, खेतों से पौधे लेने हो, फसलें लेनी हो, यानी कोई मरला ऐसा नहीं है कि आप सुन की उसमें सुनत ना हो, हमें ना मिलती हो। और हर जमाने में, हर दौर में यही हिफाजत होगी इंसान के लिए। अगर दज्जाल का दौर भी आ जाए तो वाहिद और वाहिद उससे वही शख्स बच सकेगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चला होगा। तो ये
ऐसी चीज है कि जिंदगी के कोई शोबा भी इंसान के महरूम नहीं रह सकता। हाँ, अगर जब इंसान उसको छोड़ देगा, आपसे उसने सुनत मुबारक से जिंदगी में अपने तर्क कर देगा, तो फिर कोई फितने का दौर होगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है, इंसान मुसलमान, सुबह मुसलमान होगा तो शाम को काफिर, शाम को काफिर होगा तो सुबह मुसलमान, यानी ईमान का कोई दर्जा उसके पास नहीं होगा। छोटे छोटे फितने उसके घरों के अंदर घुस चुके होंगे, यही दज्जाल फितने होंगे। तो ये नबी कसम तरीका मालिक है सुन्नत, तो बड़ा इनाम है। कोई ऐसी चीज नहीं है, देखिए हमारी जिंदगी में एक मामूल है आम रोजमर्रा हमारी जिंदगी में, दावत देना लोग खिलाने की दावत, भी आए खाना खाए हमारे पास, आज आपकी दावत है, टी पार्टी है, आज ये फला चीज है, आज फला चीज है। आदमी एक दूसरे को माशरा एक दूसरे को खाने की दावत देते रहते हैं, खिलाने पर बुलाते रहते हैं, शादियों की दावत है, पलीमी की दावत है। तो आप ये दावत जो एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अगर जिस इसमें नबी करीम से उसमें गाइडेंस मिली इस दावत को, कैसे बुलाना चाहिए और कैसे आदमी को जाना चाहिए, अगर हम यार रहबरी नहीं लेंगे, गाइडेंस नहीं लेंगे सुन शरीफा की, तो यही दावत हमारे लिए झगड़े का बायस बन सकती है, नाराजगी का बायस भी बन सकती है, दुश्मनी का बायस भी बन सकती है, जैसे होता है दावत तो मकसद से हो जाता है। मिसाल एक आम बात है कि आप किसी दावत की तो चार आदमी आप तशरीफ लें दावत में, अब देखा तो उसने आप तीन और साथ लेके आ रहे, आ जाए आप भी आ जाए कोई बात तो नहीं, चले आ जाए आप भी आ जाए, खुद बुला के लिए वो जब घर पहुंचे तो उसने चार को बुलाया था तो सात आदमी बैठे, दो औरतें और साथ में, ये हमारे मेहमान आए थे चलो इनको बुले आते। आप जिसने दावत की थी उसके दिल पे क्या गुजरेगी, एक ये नफसियाती पहलू आप देखेंगे, तो मैंने चार आदमी इंतजाम किया था, ये छह सात आदमी, अब बजाय मोहब्बत के क्या हो गया, घुटन पैदा हो गई दिल के अंदर, अब उसको हकीकत में एक नफरत ही पैदा हो गई उस आदमी से जो आ गया, और फिर रोनी हो सकता है कि भाई वो इतना खाना ना बनाया उसने या ना देखो, अब कह कुछ नहीं सकता उसको, क्योंकि मुदावत तरीका हमारे पास कोई है ही नहीं, कि कोई तरीका है हमारे पास जिस तरीके से हम इसको इस चीज को हैंडल कर सकें, वाहिद ये तरीका है उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का। अब ये देखें कोई चीज ऐसा पहलू नहीं है, कितनी छोटी सी चीज है ये, क्या सरकार ने इसको करे नहीं दिखाया, क्या हमें नहीं बताया, आज हम इसी सुन्नत पे अमल कर लें तो कई हमारे जो झगड़े हैं वैसे खत्म हो जाए, और खुद इतनी अकल आ जाए कि हम गलती ना करें। बोलिए मेरी दावत जा पांच आदमी, हालांकि उन्होंने कार्ड भेजे हैं आदमी साथ ही जा रहे हैं, आ जाइए आप भी, आ जाइए आप भी, बुला लिए। इस्लाम में ये तरीका गलत है और जहर बुरा भी कह सकते हैं आप इसको, तो खिलाफ सुनत आप बात कर रहे हैं, आपको गई हमें जिसकी सुनत पता नहीं तो बेवकूफी आपकी, कि आप अल्लाह का अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, दीन इस्लाम पे चलने वाले हैं, तो आपने नबी पर अपनी सुनत नहीं सीखी आपने, तो दीन क्या है फिर आपका, दीन क्या हुआ, दीन किस चीज का नाम है मुझे आप बताएं, किस चीज का नाम है दीन, दीन नाम है इस जिंदगी को सरकार दसम के तरीके के मुबारक मुताबिक गुजारो, ताकि तुम्हारी पाक और साफ जिंदगी और मरने के बाद तुम जन्नत में चले जाओ। अगर तो हम इस रास्ते को छोड़ते हैं जो हमारे इस जिंदगी को इस दुनिया की जिंदगी को पाक साफ करेगी, तो हम कैसे जन्नत में जाएंगे। तो ये इतनी जरूरी अहम चीज जो हमें हमारी जिंदगी में है ही नहीं, तभी तो इतने बड़े फितने जमानों के अंदर
नबी हम सुन के पता ही नहीं है यहाँ इस वक्त हमने क्या करना है, कोई नमाज आ रहा है तो उसको ना हम रोक सकते हैं उसको, और ना आने वाला इतना डीटेक उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखें हज़रत अबू शुएब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े साहब हैं, अबू दाऊद की हदीस से आपने नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत फरमाई सुभान अल्लाह। अब ये देखें सुन्नत तरीका क्या है इसका, ये हादिस की किताब है या उसमें वो क्या मिलता है हमें चीज़ और क्या है, कोई जादू टोने तरीके तो नहीं उसमें बताया कि इतने पैसे कमा लो जी, ये सरकार ने सुनत है जिस हदीस की किताब उठा कर देखें उन्होंने सुनत है, तरीके मिलते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसी ज़िंदगी बनाएं गोल्डन ज़िंदगी हो जाए हमारी, कोई चीज़ भी हमारी सुबह से लेकर शाम तक ऐसी ना हो जिसमें हम नबी करीम की सुन्नत शरीफा की गाइडेंस ना लें। हमारा फ़ायदा है कि एक काम हम खुद कर रहे हैं और एक काम अल्लाह अकबर वो है कि जिसके रूहानी तौर पे तायद हो रही है अल्लाह अल्लाह के रसूल से तायद हो रही है कि तुम अगर ऐसे करोगे ये काम तो मैं नबी तुम्हारी तायद करता हूँ इस तरह को, एक मैं कहता हूँ नहीं जी वो फला आदमी ऐसे करता मैं वैसे करूँगा, कितना फर्क पड़ गया। एक तो वो तरीका जो सरकार हमें बता रहे हैं क्या इस तरह कर लें इस काम को तो क्या उसमें बरकत नहीं होगी, क्या उसमें रूहानियत नहीं होगी, क्या उसमें दर्जे नहीं मिलेंगे, क्या उसमें हमारे पूरी सिक्योरिटी नहीं होगी। आंख बंद करके आदमी कह सकता है कि सरकार ने खुद फरमाया ऐसे कर लो इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता, आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं उससे मशवरा कर रहे हैं उससे मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर ले जरूर करके बताएगा आप उस तरीके कर लें कारोबार जो काम भी करना चाहते हैं सवाल ही कर दें तो घाटा हो आपको हो ही नहीं सकता नुकसान। अब ये देखें तरीका क्योंकि हम मैंने नबी पाक ने दावत की और फिर मैंने ये भी कह दिया कि चार आदमी आपके साथ तशरीफ ले हैं और कितना तशरीफ हम आम आदमी के प्यारे आप भी आपकी फैमिली के चार आदमी आप भी तशरीफ ले शाम को खाना खाना है बस ठीक हो ये सुन्नत का तरीका है साफ बता देने के लिए इतने आदमी आप ले हैं दावत भी कर दें नहीं जी जितने चाह ले आओ अब इंतजाम होता नहीं है आपको जितने चाह ले आओ। सुनत यह कि आप मुझे किसी दावत की आप बता दें आप इतने आदमी ला सकते हैं आप इतने आदमी अपने उधर लें सुबह सरकार ने कुछ नहीं कहा कि आपने थोड़ा आदमी लेंगे तो अभी पाकिस्तान ने चार आदमी अपने उधर लिए आप तशरीफ ले गए अबू शैब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा एक शख्स उनके पीछे पीछे लगा है वो आ गए अक्सर होता है कि आपने जनाबी मुझे मस्जिद में लेने आपने कुछ मतलब अच्छे लोग आए हैं आपने की क्या भी इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है आप उन कमरे लेके जाए ना पांच आदमी सात पीछे आ जाएंगे वैसे क्यों कितने खिलाफ सुनत है और ये मस्जिद का माहौल होता है जानते बुझते हम सब जानते होंगे बस क्या है नबी हम सुनत की हमें कदर ही नहीं है अकल ही नहीं है हमारे में हम उसको दीन समझते ही नहीं वो दीन का हिस्सा ही नहीं हमारे लिए तभी तो देख रहे आज क्या हाल हुए हमारे नमाजें पढ़ते हैं जैसे परेड हो रही है ना फौजी परेड करते हैं नमाज पढ़ते हैं ये हाल हो गया हमारा सुन्नतें खत्म कर दी हालांकि जमात कितनी बड़ी सुन्नत है घंटे सिकंदा मिला के खड़ो बीच में शैतान आ जाता है अब कहते हैं दो फुट पे खड़ो दो मीटर पे खड़ो तो वहां कंधे से कंधे मिलाने में अगर थोड़ा सा गैप होता है तो वहां खाते शैतान आता है तो जहां दो मीटर का होगा तो एक शैतान आएगा मतलब तो पूरे जिन्नात खड़े होंगे जो आपके साथ मस्तियां कर रहे होंगे ये सजा है अल्लाह की तरफ से इंसानों पर तो तुमने तो तुम्हारे हालात अच्छे थे तुम सब कुछ कर सकते थे तुमने मेरे नबी की सुन्नत के साथ ऐसा मजाक किया सुनो भाई ये मामूली बात नहीं अच्छे दिन भी आते हैं बुरे दिन भी आते हैं इंसान पर ये बुरे दिन अपने अमाल से हम खुद लेकर आते हैं आज ऐसे खड़े थे फौजी परेड हो रही है लेकिन ये सफबंदी इतना बड़ा इतना बड़ा अमल है हमारी नमाज के अंदर इतना बड़ा अमल है कि खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज से पहले खुद जाते थे एक एक सफ को देखते थे और ठीक करते थे सफबंदी करते थे अपने लकड़ी के साथ उसके बाद फिर इमामत करते ऐसे मामूल है तमाम साहब का खुद नबी कर सकते
आवाज लगा तो अपने सफों सही करो, बीच में गैप ना हो, शैतान आ जाता है। यहां तो कह जाए कि 2 मीटर का गैप बना लो, साथ मिल के ना खड़ो, तो आज शैतान सो गया होगा। ये क्यों हो रहा है ऐसे, हम तो समझे जमात कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम जमात तो क्या हो रही है, अल्लाह ताला कितना बड़ा हमसे, कितना बड़ा हम बताया कि देखो खाफिलो, तुमने मेरी नमाजों का मस्जिदों का अहकाम नहीं किया, आज तुम्हारी नमाजों का हाल देखो क्या हो रहा है। चेक करने के लिए लोग खड़े हैं, अपने मीटर लिए हैं माथे के ऊपर लगा रहे, तो कुछ कह रहे, जूती रस्सी लेके जाओ फना ला, अल्लाह ये वो मस्जिद में खुली थी बिल्कुल हमारे लिए, आओ जाओ खुली है, नमाज के वक्त आओ, लेकिन नमाज हमने क्या, हमने नमाजों के बगैर, नमाजों के अलावा क्या हमने मस्जिदों का इस्तेमाल किया भी थी, अपनी जिंदगी की दूसरे कामों के लिए अल्लाह के घर को इस्तेमाल करते रहे, आज ये सजा है भाई। माने ना माने आप, ये तो एक हकीकत हमारे सामने इस तौर से, माने ना माने, बीमारी कह रहे हैं या कुछ और कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, है तो अल्लाह की तरफ से सर, क्यों कि हमने नबी एक सुनत छोड़ा, आपने नमाजों की सुनतों को खत्म कर दिया, बेकार कर दी हमारी नमाजों को सुनतों को। मैं तो नहीं समझता कि क्या रूहानी तो होगी ऐसी नमाजों का, क्या मजा आता होगा मुझे बताएं, एक दूसरे मुसलमान से नफरत पैदा कर, हालांकि जमात का मतलब यह है, मस्जिद का मतलब यह कि एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो, जुड़ के ठहरे दिल मिले आपस में, होता है कि थोड़ी सी भी गैप है इसका मतलब इख्तलाफ हो जाएगा तुम्हारे दिलों के अंदर, जितने जुड़ोगे नमाज में कंधे से कंधा मिलाएगा उतने आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। आज कितनी बड़ी सजा की है, लगे 2 मीटर खड़े हो जाओ ताकि तुम्हारे इख्तलाफ हो, लड़ाई हो, झगड़ो हो, शैतानी तुम्हारे अंदर आए, ऐसी बीमारी पैदा होगा। ये क्या वजह है भाई, इसलिए कि हमने नबी करीम सुन्नत को हल्का समझा है, मजाक समझा है, अभी तक अकल नहीं है, अभी तक भी किसी इंसान को रोना नहीं है अपनी नमाजों को देख के कि हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, मुतमईन है, माथे पे लगा रहे हैं मिट रहे हैं और ये हाथ पत्नी क्या रोशनी लगा रहे हैं, मुतमईन है, बड़े खुश हैं, हाँ तो गई ना जी वो क्या हो, अल्लाह के बंदो हाल तो देखो कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी सजा दी है। गैरों के तो ये सजा के पैसे खींच गए, उनके कानून खत्म हो गए, उनकी तो ये मौत है, हमारी तो सबसे बड़ी मौत है, हमारी नमाजें खत्म हो गई, हमारी मस्जिदें चली गई, हमारी नमाज ही खत्म हो गई, हमारी सफें खत्म हो गई, हमारा एक दूसरे मिलना खत्म हो गया, एक वाहिद वो जगह थी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जहां आता था मुसलमानों को दिलों से मोहब्बत पड़ती थी हमारी, हमारी नाशुकरी की वजह से कि हमने मस्जिदों के साथ इतनी तहकीर की है, मस्जिदों को कैसे इस्तेमाल किया है, मस्जिदों में कैसे कैसे झगड़े किए, मस्जिदों में नफ्स और कैसी कैसी चीजों को हम लेकर आए, माफी से कहता हूं माफी, मस्जिद में हराम चीजें तक हम लेकर आए, अल्लाह ने इसकी सजा दी। जब तक कैमरा ना लगे, तब फोटो ना चले, जब तक ये चीजें ना हो तो हमारी तो मस्जिद ही नहीं है, वो ये सब सही चीजें थी भैया, फन साहू मन फो साहू अल्लाह को मुझे भूल जाओगे, नबी करीम सुनो अल्लाह को भूलना क्या कि सरकारी दुश्मन तरीकों को भूल गए, हर जगह रहबरी करते हैं, चलो बात उदल निकल गई। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया, भाई 4 आदमी को बुलाया था तो आपने 6 आदमी पीछे आ रहा था, तो सरकार दोनों को ये नहीं कहते हैं कैसे दीन सिखाया, तो आने दो आने तो कोई बात नहीं यार, 4 तो एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, चलो भाई हमारे साथ आया ना, पीर साहब के साथ आया ना, पीर साहब का बंदा है जी उसको अंदर आने दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी दीन सिखा रही है सुनत है, सरकार ने अबू शेब से फरमाया, अबू शेब मेहमान वो तो मेजबान थे ना, यार ये जो आदमी है ना ये पीछे 6 आदमी ने 4 बुलाए थे, 5 तो नबी थे, 6 वो शेख थे, मतलब 5 तो ये थे, तो आपने फरमाया कि 4 तो मैं और एक मैं हूं, 5 हो गए, ये 6 आदमी जो है ना हमारे पीछे लग के आया हुआ है, तो पीछे आ रहा है, तो ये तुम मैं बताता हूँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, शेख वो शेख तुम चाहो तो इसको जा दो वरना इसको बाहर निकाल दो, हमारी कोई गर्ज नहीं, इससे जो आ रहे हैं हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, तुम ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो रखो इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी डिपेंड करता है, तुम इसको बुलाना चाहते हो बुला लो, तुमने तो हमें बुलाया था, हम आए, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इतना बड़ा दिन है।
करते ऐसे कोई बात नहीं जी, तो फलां के साथ में नहीं, मौलाना के साथ आएंगे, पीर साहब के साथ आएंगे, आज आ जाए अंदर आ जाए। खाना चार आदमी के लगे, पांच के लगे, पंद्रह अंदर बंदे आके बैठ जाते हैं। सुनने की कदर नहीं है, सुन्नत को हमें एहसास नहीं कि नहीं तरीके में क्या बताया। आज ये तरीका हम अपनी दावत में इस्तेमाल करें, मुझे बताएं भाई नंबर एक बरकत कितनी हुई है, इख्तलाफ नहीं होगा। अब आपने किसी को मना करता है, देखो जी बड़ा बदतमीज आदमी है, मुझे उसे निकाल दिया, अब वो खानदान तक उससे दुश्मनी लेगा, खानदान तक दुश्मनी, किसने ऐसा क्यों किया, मेरी तहकीर हो गई है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं इसको छोड़ूंगा कभी नहीं। पांच आदमी मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर दी है, ये पता नहीं कि खुद बेवकूफ तू कितनी बड़ी गलती कर रहा था, खिलाफ सुन्नत तू बात कर रहा था, तेरी अकल नहीं है, मोमिन मुसलमान नमाज पढ़ने तू आया, इतनी अकल नहीं है कि तू नबी की सुन्नत जानता, सीखता क्या है, सीखा क्या है तूने अब तक। हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि कलमा पढ़ने के बाद सरकारी दम के एक एक सुन्नत को रटा जाए, यह है दीन, एक एक सुन्नत को रटाए अपने बच्चों को, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए उसको सुन्नत बताए, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, खुद आए तो बताए ना, देखिए माशरा हमारा कैसे बनता है। तो भाई ये एक बड़ी बहुत बड़ी सुन्नत है जो मेजबानी की भी और जो मेहमान उनके लिए भी है कि आना कैसा चाहिए और किस तरह आना चाहिए, दूसरे लोग को अकल आनी चाहिए। सुभानअल्लाह, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि बगैर बुलाए दावत में चले आना ऐसा है, सुनिए कितनी बड़ी हदीस आ रही है कि बगैर बुलाए दावत में चलना जो आ गया, ये तो हदीस जो हमने अभी आपको सुनाए, इससे पहले हदीस थी अबू शेख अंसारी रहमतुल्लाह की, वो तो बुखारी मुस्लिम की हदीस थी, अभी अबू दाऊद की हदीस मैं आपको बता रहा हूँ। फरमाया कि दावत में चले जाने वाले की मुतालिक ने फरमाया कि जो बगैर पूछे आ जाए उसके लिए शायद सुनाया कि वो चोर बनकर दाखिल हुआ और लुटेरा बनकर निकल गया। अल्लाह, चोर और लुटेरा बताया उसको, तो क्या बरकत होगी ऐसे हमारे दावतों में, हमारे खानों में, हमारे चीजों में, जहां हमें सुन्नत का पता नहीं कि अंदर आना कैसे जाने कैसे, तो अल्लाह ने फरमाया कि चोर बन के दाखिल हुआ और लुटेरा बन के निकल गया। हमें पता ही नहीं, हम इसको दीन समझते ही नहीं, हमें कुछ समझ ही नहीं कि कितने चोर बनेंगे जिंदगी में, कितने बड़े लुटेरे, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान वाले से निकले हुए लफ्ज हैं, तो आखिरत में जब मरेगा तो उसको पता चलेगा कितना बड़ा चोर और लुटेरा बन के वो कब्र के अंदर लेटा हुआ है। सजा क्यों? इसलिए नबी पाक की सुन्नत को हमने तर्क किया। आज उसकी सजाएं देख रहे हैं, कब्र में उसकी सजा मिलेगी, हमें मौत के वक्त भी सजा मिलेगी कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सुन्नत को छोड़ा था। दुआ करें, आज बाद बरकत है, हज के दिन चल रहे हैं, देखें हज भी खत्म हो गया हमारे पास से, कुछ भी नहीं रहा है, ही कुछ नहीं, पल्ले ही कुछ नहीं था, और मस्त है, खाना खाने हैं, दुकानें चल रही हैं, हमारे कारोबार चल रहे हैं, और हमें तो ये पता है उठते हैं वही मुंह उठा के चले जाते हैं, कोई लीगल को फलना तो इधर उधर बस भागे फिर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ पता नहीं कि कितना बड़ा अल्लाह ताला ने कैसे कैसे नेमतें अल्लाह ने खत्म की हैं, मस्जिदें चली गई, नमाजें चली गई, जमात चली गई, शक्लें हर इबादत की तब्दील हो गई, हज चले गए, उम्रे चले गए, एक तूफान हमारे दीन के नाम, कुछ पता नहीं मुसलमान, कुछ नहीं, बस रोटी मिल जाए, चूजें मिल जाए, खा के खत्म, खाओ पियो सो, बस हमें कोई नुकसान नहीं। देखते हैं ये ड्रामा कहाँ खत्म होता है, अल्लाह माफ है, लगता नहीं है कि अकल आएगी मुसलमानों में, लगता नहीं, किसी को अफसोस करते हैं, देखा कि भाई हज खत्म हो गया, हज के दिन कितने बा बरकत दिन है ये हज के अय्याम, अल्लाह अकबर, इतने बा बरकत दिन है ये जिसका इंसान भी तसव्वुर नहीं कर सकता, अय्याम हज जो है, सभी जितने लोग हैं मैं और आप, हमने इन दिनों को देखा है, आप सबको इतफाक हुआ होगा कैसे हम खाना खावा में ये वक्त गुजारे हमने, हज उम्रे के क्या रौनक है, क्या शाम, अल्लाह अकबर, क्या तकबीर है, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, और सहर की तवाफ, देखिए आप कोई अफसोस नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमें तो कुछ नहीं, बस खाना मिल रहा है, चल रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही है, नहीं बाहर नहीं निकल सकते,
बस ये है ना जी, ड्राइव शाइव नहीं कर सकते हो, मिलन जा सकते जी किसी को, है ही ना जी, गड्डियां नहीं, बस गड्डियां, बस बस और कुछ। अल्लाह हम लोग अकल दे, आज भी मुकाम है तोबा, अल्लाह अकल दे, तोबा कर ले तो अल्लाह को रहम आ जाएगा। तोबा किस चीज की? नमाजों की तोबा नहीं, कुरानों की तोबा नहीं, हजों की तोबा नहीं, तोबा ये करो कि तेरे नबी की सुन्नतों को हमने तारीफ की, तो सबसे बड़ा तेरा एहसान था जिस तुमने कुरान में किया, सबसे बड़ा इनाम एहसान में ये दिया है कि हमने अपने नबी को तुम्हारे अंदर भेजा है, अपने हबीब को भेजा। कोई बातें समझ थोड़ी आएंगी हमें, जब इंसान के अंदर सुमन बुकन या दिमाग में चर्बियां चढ़ जाए ना, फिर ये बातें नहीं समझ आती, पसंद थोड़ी कर देंगे लोग ये बातों को, छोड़ गई क्या असली बात है। अल्लाह बड़ा गफूर है, नहीं छोड़ोगे किस तरह क्या बात है। जुम्मा होगा वो, अभी ये होगा तो फना होगा, शक्लें तो देखो ये जुम्मे की शक्लें क्या बन गई हमारे, पहले इंजेक्शन लगाओ, पहले माथे पे टीके लगाओ, फिर जनाब जूते पकड़ो, पता नहीं ये करो और फना करो, इधर से जाओ तो उधर से जाओ, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी सजा अल्लाह ने, नए से निकलो तो बाएं से निकलो, तो इधर से आगे तो उधर से, जूते यहां रखो तो फला ये रखो, कोट मार हो, अल्लाह अकबर, मुसलमान अफसोस कुछ भी नहीं, अफसोस कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक हम सबको कर दे, ये सब सजा है क्या, तत्काल सुन्नतों को तर्क करना, तर्क करने कितनी बड़ी सजा है, सफे खत्म हो जाते। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد جميل الزيد الزين الحبيب الأمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 يا الله تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے عذابوں کو ہم سے دور فرما دے، اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے میرے مولا اپنے غضب کو دور فرما، یا اللہ سے ہماری نافرمانی کی وجہ سے میرے مولا جو ہماری پکڑ ہے یا کریم، ہماری مزتیں ہمیں واپس دے دے، یا اللہ ہماری نمازیں واپس دے دے، یا اللہ ہماری جماعتوں کی نماز ہمیں واپس دے دے، یا اللہ ہمارے تلاوت قرآن ہمیں واپس دے دے، یا اللہ ہمارا خانہ کعبہ ہمیں واپس دے دے، یا اللہ ہمارا حج ہمیں واپس دے دے، یا اللہ ہمارا طواف ہمیں واپس دے دے، یا اللہ مزدلفہ ہمیں واپس دے دے، یا اللہ مزدلفہ ہمیں واپس دے، یا اللہ یہ برکت والا دن میرے مولا، ساری زندگی ایسا ہم نے حج نہیں دیکھا میرے مولا، کبھی بھی ایسے دنوں کے ایسے ضائع ہوتے نہیں دیکھا پوری زندگی میں میرے مولا، حصے میں کبھی نہیں دیکھا میرے مولا، تاریخ میں کبھی بھی کسی مسلمان کو ایسی نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا میرے مولا، یا اللہ اس کی گواہ اس چیز پر، دنیا کے اندر کوئی حصے میں ایسی نماز پڑھتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا میرے مولا، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، دن رات ہمیں گریا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا کری اپنے غلطیوں کا احساس ہمیں عطا فرما، یا اللہ جس جرم کی برداشت میں تو ہمیں سزا دے رہا ہے میرے مولا، ہم جانتے ہیں وہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونا ہے میرے مولا، آپ کی سنتوں سے، آپ کے طریقے سے، یا اللہ آپ کے راستے سے دور ہونا ہے، یہ سب منحوستیں نحوستیں میرے تو مولا سب اس چیز کی ہے، یا اللہ ہمارے گھر بھی اس لیے برباد، ہمارا معاشرہ بھی اس لیے برباد، ہماری عبادات بھی ساری برباد، میرے مولا دکھاوا دکھاوا رہ گیا، جس عبادت میں جس دین میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نہ ہو میرے مولا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے، بالکل بیکار چیز ہے میرے مولا، اس میں تو روح ہی نہیں ہوتی، یا اللہ تو بالکل ایک چھلکا ہے عبادت میں، یا کریم سب سزائیں ہمارے، یا کریم تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے میرے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے میرے مولا، یا اللہ تو کرم فرما، آج کی برکتی رات میرے مولا، یا اللہ ہم سب کو توبہ نصیب فرما، توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں احساس نصیب فرما کہ ہم بہت کچھ ضائع کر چکے ہیں میرے مولا، تجھے ناراض کر چکے ہیں، اس کے احساس ہمارے اندر پیدا فرما دے، بے حس ہو گئے میرے مولا، ہر چیز پہ ہم بالکل وہی قبول کر لیتے ہیں، کتنا ہی ہمیں جرم ہم نے کیا، جرم ہم قبول
नहीं करते मेरे मौला, इग्नोर करते हैं उसको, या करीम तू करम फरमा दे, हमारे एहसासों को जिंदा कर दे मेरे मौला, हमारे ज़मीनों को जिंदा कर दे, मुर्दा हो चुके हैं मेरे मौला, या करीम तो अपना फज़ल फरमा, अपना फज़ल फरमा, अपने हबीब के सदके से हमारे तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे जिक्र को कबूल फरमा, बार बार अपने जिक्र की इबादत की तौफीक नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही सहाबिही अजमाईन, रहमतिका या रहम।